हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी क्या था कि अच्छा खासा आज संडे एंजॉय कर रहा था मैं अपने घर पे, तो अचानक मेरे को मेरे ऑफिस से कॉल आता है कि राठी भाई, जो ऑफिस में हमारा डॉग है, तो इसको किसी बाहरी जो घुसपैठिए कुत्ते थे तो उनके द्वारा उस पर अटैक कर दिया गया है। तो जिससे क्या है, उस डॉगी को हमारे बहुत नुकसान हुआ है, जान माल की हानि का। तो अभी मैं उसके लिए दवाई भी लेकर के आया था, पर जाना ऐसे हॉस्पिटल ले के जाने का इरादा था, पर आज क्या है, संडे होने की वजह से हॉस्पिटल सारे बंद हैं। और फिर मैं इसके लिए मेरे को बताया गया कि इसके जीभ में, जबड़े में, बहुत जगह पे काटा हुआ है, तो जिस कारण इसका खाना पीना दुश्वार हो चुका है। तो फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा चिकन लेकर आया था, तो अभी मैंने उबाल के तो चिकन कैसे सूप दूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कहाँ कहाँ पर डैमेज हुआ है। ए बच्चे, यहाँ दिखाओ। नो, तो ये देखिए दोस्तों आप, ये हमारी बैला को किसी ने डैमेज दे दिया है। ये देखिए इसकी जीभ काट दी गई है, ठीक है। तो इसे बहुत, इसके दांत भी टूट गए हैं, पूरा खून से सन गया है ये। कैसे हुआ ये? तो दोस्तों, अभी उस कुत्ते का मैं फिटनेस वारंट जारी करूंगा जिसने भी ये हरकतें करी हैं। अभी यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में उसको देखूंगा मैं। तो इस बैला का ये सारा इसका खून लगा है, तो इसे अभी नहला नहीं सकते हम, दो चार दिन अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो अभी क्या है कि इसकी ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसको, तो अभी इसके लिए सूप लाया हूँ, तो देखता हूँ सूप अभी किसी स्थिति में है। तो इसके लिए भैया सूप लेकर आया था, तो अभी ये क्या है कि अभी गर्म है, मैंने बहुत देर से इसे पकाने रखा हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ये। तो चलिए इसे थोड़ा सा सूप दे के ट्राई करते हैं कि कैसे इसका वो रहेगा स्वास्थ्य वगैरह। पहला बर्तन कहाँ है आपका? तो ये इसका बर्तन है जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस बैठिए कुत्ते, आकर के यहाँ अटैक करके चले गए यार। ये तो बड़े दुख की बात है ना, हमारे साले आदमी भी इतने आरामी हैं यार, क्या बताएं। अब कोई किसी का दुख दर्द समझने को तैयार ही नहीं होता। तो पहले इसे दोस्तों सूप दिया जाएगा। तो इस सूप से क्या है कि इसे थोड़ा सा गर्माहट और जहाँ पर इसकी सूजन वगैरह होगी तो उसे इसे राहत मिलेगी। और क्या है कि फिर इसे आफ्टर मॉर्निंग, कल सवेरे यानी कि मंडे को कोशिश करूँगा कि इसे, अगर छुट्टी अप्रूवल पास हो गया मेरा, हालांकि ऑफिस का ही काम है मगर जिम्मेदारी होती है, तो उसको हॉस्पिटल लेके भी जाना पड़ सकता है। आओ बेला, आ जा। तो ये चल भी नहीं पा रही है। ये लो सूप। तो थोड़ा सा ऐसा गर्म लग रहा है, पर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगी। पी ले जूस बेटा, अच्छा खासा घूम रहा था, फिर रहा था, वही है ना बस, आवारा लैंडी कुत्तों के द्वारा सभी से प्यार है, अब दोस्त इसका भी नहीं है, दोस्त उनका भी नहीं है। तो हम तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे यार, सोचा संडे है, आराम से उठेंगे बिल्कुल मगरमच्छ की तरह, आज धूप तापेंगे, पर नहीं, फ़ोन आया तो मैंने अपना वाहन एकदम रॉकेट की तरह पुष्पक विमान सीधे यहाँ पहुँचे। तो इसे देखा तो यार बड़ा अजीब सा लगा यार, कि ऐसा कौन करेगा उस कुत्ते की, तो मैं करूँगा फिटनेस। अभी उसका क्या है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, इसका फिटनेस वारंट ऐसा जारी करेंगे कि छोटे बच्चों पर अटैक करना तो छोड़ो, ये बाहर ही नहीं निकलेगा अपने घोंसले से। तो दोस्तों, इस प्रकार के मतलब बहुत सारे कार्य मैंने ऐसे करे हैं, कभी कोई बछिया आ गई, उसका पैर डैमेज है या पैर में, आपने देखा होगा बरसात के टाइम पर उनके खुर पक जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जो गायें, अभी आपने देखा होगा, हालांकि अभी एक लिम्पी बीमारी से क्षतिग्रस्त कई सारी गायें हमने देखी, उन पर हमसे जितना हुआ हमने उनका इलाज करा, अब बचना ना बचना तो ये तो सब उनके हाथ में है, उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके पशु रक्षा के भविष्य में हेतु एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा भी आपको वीडियो लगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, जिनमें हमने गाय बचाई है, बैल बचाए हैं, कुत्ते, जानवर, आदमी तक बचाया है जी। ना तो लॉकडाउन में, कोरोना में कई हमारे साथ के हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, हमने कहा डोंट वरी, मैंने कहा हम अभी जिंदा हैं, हम बचाएंगे, तो हम सबकी सेवा में तत्पर हाजिर थे, दिन बोले दिन, रात बोले रात, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम। बैला बैला की तो बैल बजा दी इन्होंने, है भाई। बल्ले,
बल्ले बल्ले तो इसकी हो गई। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद ये रहता है कि कोई अगर जीव अगर बेबोल है या वो उसकी भाषा हम नहीं समझ सकते तो मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं को रखता हूँ, उसके लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। बाकी देखिए हम किसी अगर डिपेंड पर्सन पे तो हम डिपेंड रहते नहीं हैं, हमें पता है कि भैया अगर ये काम है तो हमें खुद करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारा कार्य करने कोई दूसरा व्यक्ति आएगा या किसी के थ्रू ये काम होगा, क्योंकि समय और कस्टमर और राठिए भाई ये किसी का इंतजार नहीं करते। तुरंत काम चालू, तुरंत दान एंड महाकल्याण।